वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे एग्जाम के लिए जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 10, इससे पहले 9 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कल के क्वेश्चन की, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का क्वेश्चन क्या था हमारा, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम पूछा गया था, तो वो कौन है, नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। ओके, लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। तो पहला अनुसंधान केंद्र का नाम पूछा है, तो वो क्या है, दक्षिण गंगोत्री। कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। आपको यह भी पता होना चाहिए इसको कब स्थापित किया गया, इसको 1983-84 में किया गया। कब, 1983-84 में। अब आपको यह भी पता होना चाहिए अंटार्कटिका में भारत के दो और अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं या स्थापित किए गए हैं, वो कब कब किए गए और उनके नाम क्या है, आइए जान लेते हैं। तो उनके नाम है मैत्री और भारती। ठीक, मैत्री और भारती। मैत्री की स्थापना कब की, तो वो हुई 1988-89 में। कब हुई, 88-89 में, और भारती की 2012 में। तो टोटल कितने हो गए, अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र है, वो तीन हो गए। कौन कौन से, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस पूछा है, तो वो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को। अब एक दिवस और है, जैव विविधता दिवस, ये कब मनाया जाता है, ये 22 मई को। कब, 22 मई को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आए तो आपको बता देना है। अगर विश्व जल संरक्षण पूछा जाए तो 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस पूछा जाए तो 22 मई को। ओके, इसके अलावा इंद्रेश्वर मॉर्निंग में 5 बजे तक करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप इसे जरूर देखा करें। अगर आप इसे डेली देखते रहोगे तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान पूछा गया है, तो वो कौन सा है, 136वां स्थान। अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में, तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, वो है ओस्लो। कौन सा है, ओस्लो राजधानी है। अब ये कैसा देश है, ये स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। कौन से देश में आते हैं, स्कैंडिनेवियाई देश में। कौन कौन से स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं, वो तीन देश है। कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीन स्कैंडिनेवियाई देश है। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए नॉर्वे ने हाल ही में अपने देश में FM प्रसारण पर रोक लगा दी है। ये करंट में हाल ही में एक क्वेश्चन बन जाता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में सबसे लास्ट स्थान पे कौन सा देश था, तो वो था उत्तर कोरिया। कौन सा था, उत्तर कोरिया। कितने देशों में की सूची जारी हुई है, इसमें 180 देशों की सूची जारी की गई है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक किसने लिखी है। तो ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। किसने लिखी है, अरुंधति रॉय ने। अब आपको पता होना चाहिए अरुंधति राय ने और भी बुक्स लिखी हैं, वो कौन कौन सी हैं, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। कौन सी, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। और दूसरी बुक लिखी है इन्होंने, वॉकिंग विद कॉमरेड्स। कौन सी, वॉकिंग विद कॉमरेड्स, कॉमरेड्स। अब एक इन्होंने हाल ही में एक बुक और लिखी है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, जो कि अक्सर पूछी जा रही है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो अरुंधति राय ने कौन कौन सी बुक लिखी है, आइए एक बार फिर से जान लेते हैं। तो उन्होंने लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन और वॉकिंग विद कॉमरेड्स, और जो हाल ही में लिखी है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। अब आपको पता होना चाहिए एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है, उन्होंने लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी बुक लिखी है उन्होंने, द वेल्थ ऑफ नेशंस, नेशंस। कौन सी सन में लिखी है, ये 1776 में लिखी है। कब लिखी है, 1776 में। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी का क्या नाम है, तो वो है कांगो नदी। ये
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को दो बार काटती है। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, तो वो क्या है, लिम्फोफो नदी। कौन सी? लिम्फोफो नदी। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का क्या नाम है, तो वो है माहे नदी। कहां की है ये? भारत की। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तकला माकन मरुस्थल कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। कहां पे पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। अब आपसे पूछा जा सकता है तकला माकन मरुस्थल कौन से देश में पड़ता है, तो वो पड़ता है चाइना में। कहां पे? चाइना में। चाइना की आपको पता होगी कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग, और यहां के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। और यहां की मुद्रा क्या है, तो वो है करेंसी रैन मिनपी। कौन सी? रैन मिनपी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिपकीला दर्रा कहां पर स्थित है? सिपकीला दर्रा पूछा है, तो ये कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है? शिमला। और आपको एक बात ये भी पता होना चाहिए कि सिपकीला दर्रे से होकर ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ये एक फैक्ट था, इसको आपको याद रखना होगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सतलज नदी कौन से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वो कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी जाती है अक्सर, तो वो कब हुई? 1828 में। अब पूछा गया आपसे, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई, तो वो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय को नव जागरण काल का अग्रदूत भी कहा जाता है, तो ऐसे भी आता है नव जागरण काल का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो है, आपके ऑप्शन होंगे, तो उनमें से सही ऑप्शन होगा आपका राजा राम मोहन राय, और इनको समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस उद्देश्य से की थी, तो उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन सी सन में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तो वो दी थी 1830 में। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा या मिल सकता है एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहां पे हुई थी, तो वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, वहीं पर इनके नाम का इनका स्टैचू बना हुआ है, तो इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कौन सी सन में हुई थी? 1833 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, तो वो कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अब आपको पता होना चाहिए ये संविधान संशोधन कब हुआ, ये 1976 में हुआ। अब आपको पता होना चाहिए इस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से वर्ड जोड़े गए थे, तो वो था समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ये तीन वर्ड जोड़े गए थे, और पंथ निरपेक्षता, तो कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आपसे पूछा जा सकता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1936 में। और कभी कभी इसका पूर्व नाम पूछा जाता है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है, तो वो था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था उसका? हेली नेशनल पार्क। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर स्थित है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। अभी हाल ही में ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन से नेशनल पार्क से की गई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की शुरुआत की गई थी भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट से। कहां से की गई थी? जिम कार्बेट से। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। क्या था?
नरेंद्र नाथ, ये अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कहां भाग लिया था, तो वो लिया था शिकागो में। कहां पे भाग लिया था? शिकागो में भाग लिया था। कौन सी सन में लिया था? 1893 में। अब आपको ये पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? वो की थी 1897 में, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। ठीक है, उन्हीं के नाम पर एक मिशन चलाया था, उसका नाम रखा था रामकृष्ण मिशन। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें जो गोलियां चलाने का आदेश दिया था वो कौन से जनरल ने दिया था? वो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अब आपको पता होना चाहिए जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो वो क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। क्यों की थी? जलियांवाला बाग कांड की बदला लेने के लिए। कहां पर की थी उनकी हत्या? वो की थी लंदन में। कौन सी सन में की थी? 1940 में। ओके, आपको इतना पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है, तो वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम व्यापारिक स्तर पर कहां पर की गई? व्यापारिक स्तर पर पूछा गया है, तो आपको बताना होगा वो असम की घाटी में की गई थी। कहां पर की गई थी? असम की घाटी में। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कब की गई थी, यानी कौन से टाइम में की गई थी? ये 1834 में, और कौन से गवर्नर जनरल काल में की गई थी? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में इसकी व्यापारिक स्तर पर खेती की गई थी। अब आपको यह पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि चाय का मूल स्थान क्या है, या चाय को सर्वप्रथम कहां पर उत्पादित किया गया था, तो वो था चाइना में। कहां पर? चाइना में। और कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि चाय की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो आप बता देंगे 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक, 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है चाय की खेती के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? आपको पता होना चाहिए ये 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश है, आइए जान लेते हैं। वो है हमारे चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। कौन कौन से? चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी कहां से, कौन से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, चेमा युंगडुंग। ओके, अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये इसके ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ नाम है, वो कौन कौन से नाम है, आइए देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में कहते हैं श्यांगपो नदी। कौन सी नदी कहते हैं? श्यांगपो नदी। क्या कहते हैं? श्यांगपो नदी। जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहंग आर्ज में, तो ये नदी कहलाती है दिहंग नदी। कौन सी कहलाती है? दिहंग नदी। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र ही रहता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तब ये कहलाती है जमुना नदी। क्या कहलाती है? जमुना नदी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्र की व्यवस्था। क्या लिया गया है? गणतंत्र की व्यवस्था। अब आपको पता होना चाहिए फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है यूरो। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवा राय की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो सेवा राय की पहाड़ियां स्थित है तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो वो कौन है? ई के पलानीस्वामी। कौन है? ई के पलानीस्वामी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई के द्वारा कितने रुपए का नोट जारी किया गया है? तो वो कौन से रुपए का नोट जारी किया गया है? 100 रुपए का नोट। अब आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई ने 100 के नोट पर किसका चित्र प्रदर्शित किया है, या फिर कौन सा चित्र इस पर छपा हुआ है? तो वो है रानी की बाव। क्या? रानी की बाव पीछे 100 रुपए के नोट के पीछे छपा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है? ये गुजरात के पाटण जिले का सीढ़ीदार कुआं है। रानी की बाव क्या है? ये गुजरात के पाटण जिले का सीढ़ीदार कुआं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, यूनेस्को ने इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है। 2014 में रखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो वो रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहां से कहां तक चलता है? ये रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहां तक जाता है? व्लादिवोस्टोक तक। इस रेल लाइन की लंबाई कितनी है? इस रेल लाइन की लंबाई है 9,259 किलोमीटर। ओके, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, पीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? तो पीआरएस की फुल फॉर्म है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो ये रेलवे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद कर ले करेंगे। पीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? पीआरएस की फुल फॉर्म है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहां पर शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था नई दिल्ली में। कहां पर शुरू हुआ था? नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वे नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। किनको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वे नहर का राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र की सरकार ने 1956 में किया था। ठीक, और मिस्र की बात आई है तो मिस्र की कैपिटल क्या है? तो वो मिस्र की कैपिटल है इजिप्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये अक्सर पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद। और बाकी के वेद कौन से? आइए जानते हैं, वो है अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है छिप्रा नदी के किनारे। कौन सी? छिप्रा नदी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप बता देंगे उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अपना 1000वां टेस्ट मैच खेलेगा? 1000वां टेस्ट मैच पूछा है, तो वो कौन सा देश खेलेगा? इंग्लैंड। कब खेलेगा? 1 अगस्त को चालू होगा। किसके खिलाफ खेलेगा? भारत के खिलाफ। ये पहला देश होगा जो 1000वां टेस्ट मैच खेलेगा। और आप इसके बाद टेस्ट, सर्वाधिक टेस्ट मैच किसने खेले हैं? वो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने। कितने? 812 है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का हमारा क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस के लिए आपको, तो आपके ऑप्शन है ए 14 सितंबर, बी 16 अक्टूबर, सी 16 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पेज पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा रेलवे एग्जाम के लिए जीके का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।